विचार सुनेंगे, अपनी भी कहेंगे, आपकी भी सुनेंगे। हमारे नेता, प्रिय नेता, जन नायक चौधरी देवीलाल की सोच को पहरा देने वाले मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गो, हम उम्र नौजवान दोस्तों, दूर घरों में जहां तक आवाज पहुंचे सुन रही माता और बहनों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य जीत प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और मंचा से जननायक जनता पार्टी जिला नौ इकाई के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट जावेद खान जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक, वो दो महीने में धरातल से सरातल पर आ गए, 20 विधायकों से संख्या घटकर के एक पर रह गई, 23% वोट से घटकर के 1.5% रह गया। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, प्यार दिया, लाड दिया, दुलार दिया और पांडु पिंडारा की धरती पर लाखों की तादाद में पहुंच करके उसकी पीठ थपथपाई। उसका परिणाम ये रहा कि उसने 9 महीने में न केवल पार्टी का एक नया संगठन खड़ा करने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट भी आपके आशीर्वाद से हासिल किए और 10 विधायक हरियाणा प्रदेश की असेंबली में चुन करके अपने साथ लेकर के गया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी गांव की तरफ से मेरे सर पे रखी, उसके लिए आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे, जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, मालव गांव की दिव्य सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, इसे झुकने नहीं। और आपको यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि 30 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में मोरा मंडी पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लड़के पुराने से मिले जो हमारे उनके साथ है, प्रणति हुए शर्मा जी जो हमारे राज्य सचिव है, हमारे पार्टी के बहुत ही बड़े कार्यकर्ता है, इंचूसे भाई साकिर जी और सोमन जी और पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं नौजवान दोस्तों, 3.5 साल में जो कोई कोर में एक बूथ योद्धा होगा, और आजकल महिलाओं की भागीदारी भी 50% की है, इस तरह का संगठन आप खड़ा करने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पे मिशन 2024 को कोई रोक नहीं पाएगा। फिर आपकी भावनाओं के अनुरूप तो मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 3.5 साल में हम वो नहीं कर पाए जो आपकी भावना थी और हम करना चाहते थे। उसके कारण रहे कि एक तो राज में हम पूर्ण भागीदार नहीं इस तरह के रहे, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ कर पाए क्या हासिल होता है राज के बलबूते पर सत्ता से और बातचीत से समाधान हल हुआ करते। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज अगर हम सत्ता में भागीदार रह सकता हूं कि आपको गांव की बिजली और पानी की समस्याओं से मुक्ति दिलवाने का काम करूंगा। प्रदेश की सरकार से पहले इस्तीफों से समाधान होता है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपनी समस्या का समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में काटी, हरसिमरत कौर बादल ने भी अकाली दल से दिया था, मंत्रिमंडल से दिया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पार्टी के वरिष्ठ साथी
डॉक्टर योगेश शर्मा जी, पार्टी की महिला शाखा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर नफीसा जी, नू नगर परिषद के हमारे पास नहीं है। नगीना से होडल की जो सड़क है उसकी भी फोर लेनिंग की जो है वो मुकम्मल प्रक्रिया जो है मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह उसमें भी अगले 3-4 महीने में काम शुरू हो जाएगा। खुलवा दिए जैसे ये छोटा छोटा बच्चा पढ़ सके और आगे भविष्य बनाकर रोजगार को काम मिल सके इनको। भाई ऐसा काम हमारा बढ़िया बढ़िया रहो। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रभारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन बदरुद्दीन चेयरमैन दादा की सीट पर पड़ी तो हम पर पड़े। कानून बनाया केंद्र की सरकार ने, उस पर साइन किया हरियाणा प्रदेश के सांसदों ने। अगली सुन ले मेरी, एक तो बैठो जाओ तब वोट जाओ सरकार में, बैठो सरकार में और एक जा रहा है मेल। अब बताओ अभी कहो चार थड़े दे रहे हो, कहाँ मिलेगो चार थड़े? नहीं ले जाओ सदा बता, चार थड़े नहीं ले जाओ भाई, एक तो सरकार में है। बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। ऐसे भी प्रचार प्रसार का युग है, आप रोजाना रेडियो टेलीविजन अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते सुनते और देखते हो कि अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है 2024 में लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हमने इस सिलसिले में 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के आयोजन रखे हैं। 2 जुलाई को पिछले दिनों जुलाना में एक बड़ी मीटिंग की और अब आगामी 30 जुलाई को आपके पड़ोस के जिला फरीदाबाद के मोना मंडी में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका न्योता और निमंत्रण लेकर के आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। बुजुर्गो नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। आपको ध्यान होगा जब हमें पुरानी पार्टी से निष्कासित किया गया तब मैंने जींद की पवन धरा पर पुरानी पार्टी के साथियों से कहा था कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, ये पार्टी के 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके, आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की सोच को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, फिर से अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है,